दे रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लड़के हैं, जमील और शहबाज के कातिलों का गिरफ्तार करने का मुकदमा किया हुआ है। चेनाब चौक फैसलाबाद। मसला ये है कि एक साथी जो है लड़की को कत्ल कर दिया गया था पिछले महीने इसी सितंबर को फैसलाबाद इलाके में, और उसको कत्ल करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। उसने उसी वक्त जो है पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिस पर 8 बंदे जो हैं पकड़े गए, लेकिन एस एच ओ साहब ने और जो हमारी इस फैसलाबाद जिले की इंतजामिया है वो इसके अंदर उन्होंने दाखिल की है, इसकी वजह से उन्होंने अभी तक सिर्फ एक बंदे की जो है गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी कर ली है और उन्हें कोर्ट में भेजा जाए। उसके बाद हम ये मुतालबा करते हैं कि जो बाकी फिर दहशतगर्द नासिर है उनको पकड़ा जाए। तीसरा हमारा मुतालबा यूनिवर्सिटी भी है कि वो जो है ऐसे स्टूडेंट को जो कि स्टूडेंट कहलाने के काबिल नहीं है, जिनके हाथ से कत्ल हो जाता है वो कहते कदम स्टूडेंट नहीं होते, उनको फिर फोर यूनिवर्सिटी में निकाल दें और वो उनका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वजीर आला पंजाब में इनको गुजारिश करूंगा कि वो इस मसले को पर्सनली लें, ये किसी स्टूडेंट की जान का मसला है और स्टूडेंट जो है वो किसी भी कौम की रेडी होती है। अगर आज स्टूडेंट को इंसाफ नहीं मिल रहा तो कल आम बंदे को हम कैसे जा सकते हैं इंसाफ मिलेगा। अगर पंजाब गवर्नमेंट या वजीर आला जो अपने आप को आदमी आला कहते हैं वो ये साबित कर दें कि अगर इधर हर बंदे को इंसाफ मिल रहा है तो फिर हमें इंसाफ चाहिए। इसका मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये मुतालबा करूंगा कि वो चांसलर है यूनिवर्सिटी से, तो मैं उसे कहूंगा कि फिर और ऐसा पूरे इलाके को उनका जितने भी लोग उनके कॉन्टैक्ट में हैं, जितने भी लोग उनके साथ मुलव्वस है, जिनका एफ आई आर में नाम है या जो उनके फरगना है, उनसे फिर और यूनिवर्सिटी निकाल दें और यूनिवर्सिटी के विधायक को पूरा मन बनाएं और ऐसे गुंडागर बनाकर को यूनिवर्सिटी में उनका कोई ताल्लुक नहीं। बताते चले कि ये चेनाब चौक फैसलाबाद है, तो यहाँ पे जो है मीडिया के कुछ नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद थे और पुलिस अधिकारियों ने तसल्ली दे के इन लोगों को जीसी यूनिवर्सिटी के लड़कों को वापस कर दिया गया है और इस वक्त जो है ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक रवा दुआ हो चुकी है। लड़कों को सारों को तसल्ली दे के जो है यूनिवर्सिटी में दोबारा भेज दिया गया है। मलय शहबाज के कातिलों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, कहते जब तक के मलय शहबाज के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता।